नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। नारायणगंज विकासखंड मुख्यालय के समीप टिकरिया में संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में देश भर में विगत एक माह से लगातार चल रहे किसान कानून बिल के विरोध में आंदोलन के समर्थन में ताली थाली बजाकर किसान कानून बिल रद्द करने सरकार से मांग की गई है। इस दौरान उपाध्यक्ष जनपद पंचायत नारायणगंज इंजीनियर भूपेंद्र बरखड़े द्वारा बताया गया कि वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा किसान कानून को लेकर 3 बिल पारित किए गए हैं जो कि किसानों के हित में नहीं है। इन बिलों का उपयोग करते हुए बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट कृषि के नाम किसानों का आसानी से शोषण करेंगे। आज हम शिक्षित लोग होने के नाते बिल में दिए गए मापदंडों को समझ सकते हैं जो कि हमारे हित में नहीं है। इस कारण हम सभी किसान इस कानून का विरोध कर रहे हैं और देश भर में चल रहे आंदोलन का समर्थन करते हैं। इसमें उपस्थित रहे इंजीनियर भूपेंद्र बरखड़े, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत दादूलाल कुड़ापे, जिला संरक्षक गोगप्पा डेरन सिंह मराबी, पूर्व सरपंच फूलचंद परते, लोक सिंह मरकाम, बलराम पटेल, जगदीश परस्ते, हरदयाल मरकाम, वेद प्रताप मराबी, धन्नी परस्ते सहित किसान उपस्थित रहे। सालों से जब से राजनीति का शिकार ये मुकदमी और पटेली व्यवस्था हुई है लगभग समाप्त है। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसा कानून अगर आ गया, जो हमारे किसान हैं जो बहुत ज़्यादा जानकार नहीं है, बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं है और उनकी जागरूकता की कमी का पूरा फ़ायदा जो बड़े बड़ी जो कंपनियाँ आएंगी उनका फ़ायदा उठाएंगी, या मैं सीधे कहूँ अगर हमारे मंडला ज़िले की जो बोली है या जो बात है उसके बारे में कि किसान को इस बात के लिए मजबूर किया जा रहा है कि वह अपनी खेती को अधिया में दे, और एक किसान बहुत अच्छे से समझ सकता है कि अधिया में दी हुई खेती में अधियार ज़्यादा कमाता है कि किसान ज़्यादा कमाता है। विशुद्ध रूप से जो अधिया खेती करता है, जो अधियार होता है, वह खेती का 90% 80% ले जाता है, मुश्किल से 10 या 20% ही उस किसान को मिलता है जिसकी वह खेत है, जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से जो अधिया खेती के लिए मजबूर करने की जो बात कही जा रही है और उसमें कहा जा रहा है कि ये मजबूत करने वाली बात है। सबसे ज़्यादा हमारे लोगों को परेशानी होगी आज जब इतनी छोटी सी जो ये मुकदमी पटेली व्यवस्था जो ख़त्म होने के बाद कहीं ना कहीं ऐसी जो विसंगतियां देखी जाती हैं कि गांव में आकर कोई भी बाहरी व्यक्ति कुछ भी गलत कार्य करने चला जाता है, तो एक समय मुझे लगता है कि हमारे मंडला ज़िले के जो लोग और हमारे विशेषकर जो हमारे समुदाय के लोग वो अपनी खेती बचाएंगे या बेटी बचाएंगे। शायद उस समय ऐसी परिस्थिति भी रहे जब बाहरी लोग इतना ज़्यादा आक्रमण और अतिक्रमण होने लगेगा, जो पांचवी अनुसूचित क्षेत्र है, जो शांत क्षेत्र है, जो इन सब विषयों को ज़्यादा जानता नहीं है, जिनकी जानकारी नहीं है, तो शायद सिर्फ खेती बचाने की बात नहीं उस समय हमारी बहन बेटियों को बचाने वाली भी बात होगी। यह एक बहुत गंभीर विषय है। तीसरा एक और जो इस अधिनियम में कहा, आज सोशल मीडिया के माध्यम से देशव्यापी किसान आंदोलन हम सबको विदित है कि दिल्ली में एक महीने से किसान भाई कृषि कानून के 3 बिलों को वापस लेने के लिए अनवरत आंदोलन रखे हुए हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में आज प्रधानमंत्री के मन की बात के दौरान आह्वान किया गया था कि उस दौरान ताली और थाली बजाकर किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए, समर्थन करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले इस किसान आंदोलन में शहीद हुए उन 38 किसानों को हम सबकी तरफ से, पूरे मंडला ज़िले वासियों की तरफ से, मंडला ज़िले के तमाम संगठनों और किसान भाइयों की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि, उनको सेवांजलि। आज हम सब लोगों ने यहाँ पर सांकेतिक रूप से किसान आंदोलन के समर्थन में और उनके आह्वान पर ताली और थाली बजाकर हमने मोदी सरकार और उन 3 कृषि जो बिल हैं, जो कानून हैं, उनके विरोध में हम सब लोगों ने आज ताली और थाली बजाकर किसानों का समर्थन किया है। ये मेरे हाथ में आप देख पा रहे हैं, ये वही किसान बिल है, किसान बिल हैं जिनके संबंध में, जिनके विरोध में आज पूरे देश के किसान
आंदोलित हैं, एक महीने से आंदोलन चल रहा है, लेकिन ऐसे हिटलर शाही और हठ धर्मिता वाली मोदी सरकार और सरकार के तमाम लोग आज उस आंदोलन को कहीं ना कहीं दबाने का भरकस जो प्रयास चल रहा है। हमने आज इस कृषि कानून के तीनों जो अधिनियम हैं उन अधिनियमों का हमने गहन से उनका अध्ययन किया और विस्तार से पढ़कर यह चीज़ जाना और समझा कि यह जो तीन कानून हैं जिन कानूनों को यह सरकार लेकर आई है, यह वास्तव में किसानों के साथ साथ जो हमारा एक समुदाय है आदिवासी समुदाय, मैं अभी हमारे साथ हमारे वरिष्ठ और जो हमारे बुजुर्ग हैं हमारे समाज के वो साथ में हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति या जो एक गौंड समुदाय की बात है अभी कुछ वर्षों से है, इसके पहले पूरे समुदाय की अगर एक पहचान थी तो मात्र किसान के नाम से थी, सब लोग किसान के नाम से ही हमको जानते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारी जागरूकता की कमी के कारण, जानकारी की कमी के कारण और एक जो गोदी मीडिया जो काम कर रही है, जो चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जिस हिसाब से आंदोलन को दबाने के लिए और सरकार के समर्थन में जो एक प्रायोजित प्रोपोगेंडा जो मचा रही है जो कर रही है, इस कारण से हमारे सुदूर गाँव के अंचलों में, सुदूर गाँव में हमारे किसानों तक, हमारे समाज के लोगों तक जो सच्चाई जो है, जो जानकारियां हैं, जो आंदोलन से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि उसके उलट जो चीज़ें सरकार उसको दबाने के लिए काम कर रही है। जैसे अभी कल ही के दिन हमारे विकासखंड और पूरे ज़िले के अंदर एक बहुत बड़े आयोजन के रूप में, बहुत बड़े प्रचार प्रसारित करने, पूरा सरकारी पैसे का उपयोग करते हुए जो किसान सम्मान निधि का एक आयोजन किया, उस आंदोलन और उस मूवमेंट को दबाने के लिए, जबकि किसान आंदोलन का और इन जो तीनों जो काले बिल हैं किसान कृषि कानून से संबंधित, उन बिलों का इस सम्मान निधि से कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद भी उनको गुमराह करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इस किसान सम्मान निधि को इतना बड़ा चौड़ा करके और भव्य करके दिखाया जा रहा है और पूरे देश के अंदर यह शायद यह संदेश दिया जा रहा है कि मंडला जिले के किसान वरन पूरे मध्य प्रदेश के किसान हमारे इस जो ये कानून है उसके साथ हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जो पहला जो कानून इसमें जिसके बारे में बताया गया है, वास्तव में इसमें जो कहा गया है किसान उत्पादन व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, इसमें सरकार द्वारा यह बताया जा रहा है, उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि इस कानून के आने से जो किसान है वह अपनी जो फसल है उनको खुले मार्केट में बेच सकते हैं, या खुले मार्केट में नहीं बेचना है तो किसी अन्य राज्य में जाकर वो बेच सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इस सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार से, और अपनी बात को कहना चाहता हूँ, आज मैं अपने विकास खंड की बात करूँ या पूरे ज़िले की बात करूँ तो अपने विकास खंड के अंदर मुश्किल से जितने भी 80% क्या ये पूरे बाज़ार, आज नारायणगंज बाज़ार हो या मंडला ज़िले की बाज़ार की बात करें तो पूरी अर्थव्यवस्था यहाँ पर कृषि पर आधारित है। मुश्किल से 8 या 10% या 15% लोग ही नौकरी पेशा में हैं, बाकी 80 से 85% लोग यहाँ पर सिर्फ खेती से और खेती के सहारे वो जीवित हैं और उनकी आजीविका और पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती के बदौलत चल रही है। और आज जो ये कानून कहता है कि इसमें जो सरकार कह रही है कि हम इस कानून को लाने के बाद हमारे किसानों के पास एक मौका होगा जो खुले बाज़ार में बेच सकते हैं या अन्य राज्यों में बेच सकते हैं, यहाँ पर हमारे साथी हैं और मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानता हूँ और पूरे ज़िले के लोग और सब लोग जानते हैं कि आज मुश्किल से 7 या 8% लोग ही समर्थन जो मूल्य होता है, चाहे गेहूं का हो चाहे धान का हो, वही लोग मुश्किल से 8 या 10% लोग ही समितियों में जाकर रजिस्टर्ड कराते हैं, पंजीयन होते हैं, वहां पर बेचते हैं। उसके अलावा 85 से 90% जो अनाज है वो खुले मार्केट में बेचा जाता है। आज जैसे कि अगर समर्थन मूल्य की बात करें तो आज अगर धान का समर्थन मूल्य 1800-1900 रुपये है, लेकिन हमारे यहाँ के किसान आज भी 1000 रुपये, 900 रुपये और 1100 रुपये की कीमत में खुले मार्केट में उसको बेच रहे हैं। इस कानून को लाकर आप कौन सी नई चीज़ करना चाहते हैं? आज क्या महाराष्ट्र का संतरा हमारे मंडला के लोग नहीं खाते क्या? केरल और तमाम जो एक ही प्रदेश में सारी फसल नहीं होती, आज भी बाकायदा कहीं ना कहीं सारे जो फसल हैं, उत्पाद हैं, हमारे यहाँ आ रहे हैं और हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, खा रहे हैं। ये सिर्फ गुमराह, बिल्कुल आदान प्रदान होता है, ये सिर्फ गुमराह। खबर समय जगत के लिए नारायणगंज से संवाददाता बैनीलाल सिंगरौरी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।